ने स्वतः संज्ञान दिया और अब इस पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। सीजीआई की बेंच इस पर सुनवाई करती हुई, सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता केस पर खुद ही संज्ञान लिया है और सुनवाई पर सबकी निगाहें हैं। सीजीआई समेत 3 जजों की बेंच इस वक्त सुनवाई कर रही है कोलकाता मर्डर रेप केस में। सुनवाई की हालांकि ये कहा जा रहा है कि YouTube पर स्ट्रीमिंग भी की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जब स्वतः संज्ञान लिया, सीबीआई एक तरफ जांच कर रही है लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले पर स्वतः संज्ञान लेने के बाद सभी बड़ी आस भरी निगाहों से देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है। कोलकाता में डॉक्टर से रेप और उसके बाद निर्मम तरीके से हत्या, इस मामले को लेकर डॉक्टर्स देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, न्याय की मांग की जा रही है। ऐसी जघन्य घटना को लेकर जहां पर कई खामियां सामने आई, सीजीआई की तरफ से इस पर सुनवाई की शुरुआत हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता केस पर खुद ही संज्ञान ले लिया है और ऐसे में अब इस पर सुनवाई की जब शुरुआत 3 जजों की बेंच की तरफ से की गई है, तस्वीरें भी सामने हैं क्योंकि YouTube पर इसका स्ट्रीमिंग लाइव किया जा रहा है कोलकाता मर्डर केस। और अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर किस तरह के निर्देश देते हैं। ये एक रेप मर्डर का मामला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है पीड़ित की पहचान उजागर होना ये चिंताजनक है क्योंकि तमाम गाइडलाइंस जो हैं किसी भी पीड़िता को लेकर उसकी पहचान को छुपा कर रखने को लेकर जो दिए गए थे उसकी धज्जियां उड़ गईं। सुरक्षा नहीं मिलना ये अधिकार का हनन है। Father of the deceased. This is registered at what time? Yes, 11:45 p.m. 11:45 p.m. Yeah. Now next day. Yes. In the night. When is the body handed over to the parents for cremation? Mothers, kindly have this note that I've given. What time is the body handed over to the parents for cremation? 1 second. Around 3:30. 3:10. Therefore, one thing is very clear. The body is handed over to the parents for cremation at 8:30 p.m. The FIR is registered at 11:45 p.m. 3 hours and 15 minutes after the body is handed over to the parents of cremation. They refused to file. Mother, this is the problem. We handed it over. They filed the FIR. They made the complaint at 11:45. They say, we are in shock. Please do whatever you want to do. They wanted a post-mortem. We did the post-mortem. All is videographed. Everything is videographed. The autopsy and the post-mortem take place. Between 1:45 to 4 p.m. Now, between 1:45 and 4 p.m. Yes. The autopsy takes place, followed by the post-mortem. The autopsy took place at 6 o'clock, not at... Fair enough. That's all right. We'll take it as one between 1 and 4 o'clock. It doesn't take place in 1 minute. It takes time. Don't keep on interrupting. They wanted so a board. We constituted a board. We are proceeding on the basis of Mr. Kibble's hypothesis that the autopsy and the post-mortem take place between 1 and 4:45 in the afternoon. Now, तो देखिए ये लाइव स्ट्रीमिंग इस वक्त और कोर्ट की तरफ से बार बार ये पूछा जा रहा है कि घटना जिस वक्त हुई उस घटना के होने के वक्त से लेकर जब परिवार वालों को जानकारी दी गई तो उसमें इतना वक्त क्यों लग गया। गुरुवार तक स्टेटस रिपोर्ट दे सीबीआई क्योंकि सीबीआई इस मामले में अब जांच कर रही है। कोलकाता में डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले पर अब जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही इस पर स्वतः संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट खुद इस पर अब नाराजगी इस रूप में जाहिर कर रही है कि कई तरह की खामियां तो शुरुआती वक्त से इसमें नजर आती हैं कि आखिर पीड़िता की पहचान कैसे सार्वजनिक कर दी गई, कैसे वो लोगों के सामने आ जाती है जिसका ख्याल तो आपको रखना चाहिए था। सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो डॉक्टर्स इस वक्त विरोध कर रहे हैं कि भाई एक महिला डॉक्टर अगर नाइट ड्यूटी पर होती है अपने कार्यस्थल पर, अगर वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती है तो आखिर वो कहां सुरक्षित होगी, ये तय कौन करेगा, ये सुनिश्चित कौन करेगा, ये भरोसा देना कितना जरूरी है, इस बात पर भी सुप्रीम कोर्ट ध्यान आकृष्ट कराते हुए। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक एक सवाल पूछे जा रहे हैं जिनका जवाब दिया जा रहा है लेकिन सुप्रीम कोर्ट इससे कितना संतुष्ट हो पाता है ये देखना होगा। 36 घंटे काम करते हैं डॉक्टर, डॉक्टरों को सुरक्षा मिलनी चाहिए, जिनके भरोसे आप आम आदमी की जिंदगी को सुरक्षित करते हैं, अगर वो डॉक्टर ही अपने आप को असुरक्षित महसूस करेंगे तो आपकी जान की सुरक्षा कौन करेगा, ये बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट
हालांकि ये पहला मौका नहीं है, पहली ऐसी कोई विभत्स ये घटना नहीं है। इससे पहले निर्भया केस को देख लीजिए, तमाम घटनाओं के बाद सुप्रीम कोर्ट के सख्ती निर्देश सारी चीजें सामने आई, लेकिन इसके बावजूद घटनाओं पर विराम नहीं लग रहा। हम नेशनल टास्क फोर्स बनाने जा रहे हैं ये भी कहा जा रहा है। सीबीआई गुरुवार तक इस मामले को लेकर स्टेटस रिपोर्ट दे मांग तो करती गई, अब ये स्टेटस रिपोर्ट मिलेगी कि सीबीआई की जांच क्या कहती है, क्योंकि चिंता इस बात की भी कि सीबीआई की जांच की शुरुआत करने के बाद भी कई दिन बीत चुके हैं लेकिन कोई ठोस नतीजा अब तक सामने नहीं आया, जिसमें दिमागी जांच भी एक आरोपी जो इस वक्त गिरफ्त में है उसकी हो चुकी है। अब पॉलीग्राफी टेस्ट की बात भी आ रही है, महिला सुरक्षा से वंचित हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ये बार बार कह रहा है कि भाई आप जिनके मुद्दों को लेकर यहां पर पहुंचे हैं उन महिलाओं को सुरक्षा अगर मिलती तो ऐसा नहीं होता। डॉक्टर जो अपने कार्यस्थल पर मौजूद रहती है, उस डॉक्टर के साथ उसी कार्यस्थल पर जो सबसे सुरक्षित जगह उसके लिए थी वहां पर उसके साथ जघन्य घटना को अंजाम दिया जाता है। कई तरह के लैप्सेस साफ तौर पर दिखते हैं, जिसमें कि जो साक्ष्य थे जिनको लेकर एक डॉक्टरी प्रोफेशन से जुड़े लोग जो बहुत संजीदा भी होते हैं गंभीर भी होते हैं, वहां पर इन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कैसे हो जाती है, उसमें खामी दिख रही है, ये भी सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी में देखिए इस वक्त सामने आता हुआ। और महिला की पहचान जो सबसे पहले सामने आ जाती है उस पर सबसे ज्यादा गंभीरता से सुप्रीम कोर्ट इस वक्त सवाल भी खड़े कर रहा है कि आखिर कोलकाता पुलिस जो बंगाल पुलिस है वो कर क्या रही थी, किस तरह की इन्वेस्टिगेशन वो करते हैं। यस इट्स कॉग्नाइजेबल नॉन बेलेबल एंड पनिशमेंट इज 3 years, मतलब दिस इज फर्स्ट आई विल नॉट प्लेस इट द नेशनल टास्क फोर्स मतलब व्हिच आवर लॉर्डशिप्स कंटेंप्लेट कैन नॉट गो इनटू दिस कैन इवन मेक सजेशंस एंड इट शुड बी वेलकम मतलब Lord, second thing, my Lord, which is worrying us is this. Lord, even in a well-organized function, if we want the presence of 500 people in an auditorium, we all know we have to make efforts. 7,000 people at the middle of the night armed with lathis and hockeys, my Lord, can never be without the knowledge, if not consent, of the police force. It's complete failure of law and order, my Lord, in the entire state. What time did the vandalization of the hospital take place? Lord, midnight. It's at midnight, my Lord. I thought my learned friend, he doesn't want to politicize the matter, my Lord. Why is he saying all this? Why this is, my Lord, important. We should be called upon. We'll tell you what happened. Mr. Solicitor, what we'll do is that we'll... One more aspect. Lord, and my Lord, again, my learned friend may feel that this is, my Lord, but this is directly related to the issue in question. Lord, the West Bengal has an in-charge DIG. In-charge? In-charge DIG, Director General of Police, who is already being charged and being considered by your lordships for having fabricated or otherwise dealt with the evidence in Sharda scam case. Lord, your lordship's direction police doesn't Prakha come under DGP. Mr. Calcutta Police doesn't come under DGP. Why are you saying all this? तो देखिए सीधे तौर पर यहाँ पर ये कहा जा रहा है, जो वकील हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि भाई जिस ऑडिटोरियम में 700 लोगों की मौजूदगी रहती है, जिस पूरे अगर प्रीमाइसेस की बात की जाए जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया, उसके आसपास भी तकरीबन 400 से 500 लोगों की मौजूदगी आसपास दूसरे विभागों में लोगों की रहती है, वहां पर अगर ऐसी घटना हो जाती है तो फिर साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ होता है, तो बंगाल पुलिस की कार्यशैली सवालों के दायरे में आएगी। यहां पर हेल्थ केयर वर्कर्स की सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए विशेष कानून बने हुए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि जिस तरीके से सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि वहां पर 7,000 के करीब लोग इकट्ठा हो गए और जिस तरीके से वहां पर अस्पताल के पास तोड़फोड़ की गई वो एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी, और अगर कहीं पर भी फंक्शन होता है तो 500 लोगों की भी यहां अगर मौजूदगी होती है तो उसके बारे में पता होना चाहिए, लेकिन यहां पर 7,000 लोग आ गए और वहां पर किसी भी तरह की
जानकारी नहीं लगी, अस्पताल के पास तोड़फोड़ की गई, ये पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। सोलिटर जनरल ने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल ने जिस तरीके से यहाँ पर जो पुलिस को वहां पर जिस तरीके की तत्परता दिखाई जानी चाहिए थी और उसको लॉ एंड ऑर्डर को संभालना चाहिए था, वहां पर कहीं कुछ ना कुछ चूक हुई है। तो जो हम शुरुआत से कह रहे थे जब कोर्ट ने इस मामले में कॉग्निजेंस लिया था कि ये केवल अस्पताल में बलात्कार का मामला अब नहीं रह गया, क्योंकि उस पर कलकत्ता हाईकोर्ट पहले ही कॉग्निजेंस ले चुका है, उसमें सीबीआई जांच के आदेश हो चुके हैं। अब कोर्ट ने जो सुप्रीम तो देखिए सीधे तौर पर सॉलिसिटर जनरल सवाल उठा रहे हैं कि जब डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे थे उसी प्रीमाइसेस में, हॉस्पिटल के जिस प्रीमाइसेस की बात चल रही है, वहां पर 7,000 की भीड़ अगर पहुंच जाती है तो सुरक्षा में चूक साफ तौर पर नजर आती है। कितने बजे दर्ज की गई, किसकी शिकायत पर दर्ज की गई, तब पता चला कि जो बताया गया बंगाल सरकार की तरफ से, पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से, कि उनके पेरेंट्स, उसके फादर की शिकायत पर दर्ज की गई। जबकि आप ये देखिए, क्योंकि क्राइम वहां पर हुआ था, अस्पताल के भीतर हुआ था, अस्पताल के प्रशासन को सबसे पहले जानकारी लगी थी, वो लोग वहां पर पहुंच गए थे, उन्होंने उस घटना को देखा, उसके पेरेंट्स तक गलत जानकारी दी, शुरुआत में सुसाइड का मामला बताया गया और उसके बाद इस मामले में काफी देर बाद ये बात सामने आई कि बलात्कार भी हुआ और उसका मर्डर भी किया गया। तो इतनी देरी क्यों की गई? अस्पताल प्रशासन को तुरंत इसकी एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए थी। इस पर कोर्ट ने सवाल उठाए हैं और कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस मामले में जो प्रिंसिपल हैं, उन्होंने जिस तरीके से लापरवाही की है, उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जा रही है। तो पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से कहा गया है कि इस मामले में जो भी कोर्ट कहेगा उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस मामले में कोई लापरवाही की गई, जिस तरह से जानकारियां आती गई उस तरह से कार्रवाई की गई, लेकिन जो फैक्ट्स हैं उन्हें नहीं बदला जा सकता कि एफआईआर करवाने में देरी हुई। एफआईआर जो एफआईआर अस्पताल प्रशासन को करवानी चाहिए थी वो उस डॉक्टर के फादर की तरफ से करवाई गई, उसके पिता की तरफ से करवाई गई और बहुत देर में करवाई गई, जबकि घटना का पता बहुत सुबह चल गया था। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो अब सामने आ रही हैं और ये सीबीआई जांच में भी सामने आई हैं और जब सीबीआई अपनी रिपोर्ट देगी उस दौरान भी ये सब चीजें सामने आएंगी। तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह भी टिप्पणी की गई कि भाई अगर एफआईआर दर्ज करने में देरी हुई तो उसके लिए दोषी कौन, देरी क्यों हुई, जिस अस्पताल प्रशासन को इस पर एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी, क्योंकि अस्पताल प्रशासन के लोगों के सामने सबसे पहले यह मामला आया था, वहां पर पीड़ित के पिता की तरफ से एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, इसका जवाब भी अस्पताल प्रबंधन को देना पड़ेगा। सवाल ये भी कि अंतिम संस्कार के लिए शव कब सौंपे गए, सुप्रीम कोर्ट एक एक सवाल इस वक्त सामने उठा रहा है। सवाल इसलिए क्योंकि यहां पर अब सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि कोलकाता हाईकोर्ट ने इसमें ऑलरेडी इंटरवीन किया हुआ है, उसकी तरफ से सीबीआई जांच के आदेश दिए जा चुके हैं, तो उस दृष्टिकोण से सीबीआई जो है वो गुरुवार तक इस पर अपनी रिपोर्ट तो जरूर देगी। अपराध को लेकर साफ नियम है, कानून है, देश का कानून है, जिसका पालन सबको ही करना चाहिए, सोशल मीडिया को भी, मेन स्ट्रीम मीडिया को भी, सभी को उसका पालन करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर की फोटो और वीडियो वहां पर वायरल किए गए, वो देखे गए सोशल मीडिया पर, वो कहीं ना कहीं चिंता की बात पैदा करते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर चिंता जताई है। बहरहाल अभी सुनवाई चल रही है और सुप्रीम कोर्ट ने अभी सीजीआई ने कहा है कि हम इस मामले में बहुत चिंतित हैं और हम ये चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार की जो ताकत है, जो उसके पावर है, वो केवल जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन लोगों पर ना चले। कोर्ट ने ये कड़ी टिप्पणी की है कि केवल प्रोटेस्टर्स पर पश्चिम बंगाल सरकार की ताकत ना चले और जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई ना की जाए। सिब्बल ने कहा कि हमारे पास, सिब्बल क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार के वकील हैं, उन्होंने कहा कि हमारे पास पूरे वीडियो प्रूफ है, हमारे पास फोटो हैं, किस तरीके से राजनीतिक हवा दी जा रही है, इसे राजनीतिक बनाया जा रहा है, राजनीतिक कार्यकर्ता इस मामले में एंटर कर गए हैं, घुस गए हैं और जो पीसफुल प्रोटेस्ट है उनको बिगाड़ने के लिए, राजनीतिक फायदा लेने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और जब भी राजनीतिक की जाती है तो पश्चिम बंगाल की तरफ से कपिल सिब्बल जो है वो दलीलें रख रहे हैं, पक्ष रख रहे हैं, उनका कहना है कि अब इसे कहीं ना कहीं पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की जा रही है, राजनीतिक एंगल देने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए।
जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये पूछा गया कि भाई आखिर कैसे सोशल मीडिया या फिर तमाम जगहों पर पीड़िता के पहचान को उजागर कर दिया गया, वीडियो सामने आ जाते हैं, उसके तस्वीरों को दिखाया जाने लगता है, ये अपने आप में एक सीधे तौर पर कहीं ना कहीं उसका उल्लंघन है, जिसमें ये बार बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि किसी भी ऐसे मामले में पीड़िता की पहचान सामने नहीं आनी चाहिए। सिर्फ पहचान तक बात नहीं रही, उस वीडियो को भी सामने ला दिया गया जिस सभ्य समाज में इस तरह की चीजें होनी नहीं चाहिए, और होने के बाद ऐसी चीजों पर जो गंभीरता अस्पताल प्रबंधन को दिखानी चाहिए थी वहां पर भी कहीं ना कहीं खामी देखी गई। घर वालों को शव सौंपे जाने के बाद से 3 घंटे के बाद FIR दर्ज होती है, वो भी परिवार के लोगों की तरफ से कराई जाती है, अस्पताल प्रबंधन की तरफ से नहीं होता है। प्रशासन की लापरवाही साफ तौर पर नजर आती है, कहीं ना कहीं फैक्ट्स के साथ भी छेड़छाड़, टेम्परिंग की बात जो है वो सामने आ रही है। कोर्ट के पास वो मामला नहीं है क्योंकि अभी कोर्ट को ये नहीं पता कि CBI की जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है, क्या क्या वो कर चुकी है, क्या करने वाली है, उस मामले में कोर्ट ने अभी डायरेक्शन नहीं दे सकता। और इसी कारण कोर्ट ने कहा है कि CBI को निर्देश जारी किया है कि वो गुरुवार तक इस मामले में बताए कि क्या कार्रवाई की गई है, अपनी स्टेटस रिपोर्ट एक फाइल करे। और अभी CJI ने ये कहा है कि हम इस मामले में, अब CJI एक तरह से कह सकते हैं कि लिखवा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि 9 अगस्त को ये घटना हुई, जो 31 साल की डॉक्टर है उसके साथ रेप और बलात्कार हुआ, जिस तरीके से उनके साथ हैवानियत हुई वो किसी की भी आत्मा को झकझोर देता है, और उनके नाम और पिक्चर, उनका नाम फोटो जिस तरीके से मीडिया सोशल मीडिया पर फैलाए गए वो कहीं ना कहीं उनकी प्राइवेसी को वायलेट करता है, उनकी निजता का उल्लंघन करता है, और ये नहीं होना चाहिए था। कोर्ट ने कहा कि उनके जो पेरेंट्स हैं, डॉक्टर के जो पेरेंट्स हैं, उनको काफ़ी देर बाद इस मामले में उससे मिलने की अनुमति दी गई, उनकी डेड बॉडी देखने की अनुमति दी गई, कई घंटों बाद ये अनुमति दी गई। और इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने खुद कॉग्निजेंस लिया, कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच पुलिस से लेकर CBI को सौंप दी गई, और जिस तरीके से वहां पर एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई, उसने अस्पताल में तोड़फोड़ की, हम लोगों को अभी तक ये नहीं पता चल पा रहा कि जो अस्पताल में तोड़फोड़ हुई थी उसे क्यों नहीं रोका जा सका, उसे वहां की पुलिस ने क्यों नहीं रोका। कोर्ट ने ये सख्त टिप्पणी की है कि ये समझ पाना मुश्किल है, समझ से परे है, क्योंकि अगर इतनी बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई थी तो उन्हें रोका क्यों नहीं गया, और वहां पर जो तोड़फोड़ हुई थी उसे क्यों नहीं कंट्रोल किया गया। CJI ने ये भी कहा कि इस मामले में हॉस्पिटल प्रशासन पर कई तरह के सवाल उठते हैं, और हॉस्पिटल प्रशासन ने जिस तरीके से इस मामले में, तो YouTube पर लाइव स्ट्रीमिंग जिसकी तस्वीरें भी देख रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीधे तौर पर तल्ख टिप्पणी की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट डॉक्टरों को सुरक्षा मिलनी चाहिए ये सीधे तौर पर कहता नजर आया, DGP को भी बदलने की बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है, डॉक्टर 36 घंटे काम करते हैं तो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना किसका दायित्व है। पीड़िता की पहचान उजागर हुई, ये बहुत चिंताजनक है क्योंकि ये उसकी निजता का जो अधिकार है उसका सीधे तौर पर वायलेंस है, हनन है। हम नेशनल टास्क फोर्स बनाने जा रहे हैं कोलकाता में डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले पर, कई चीजों पर खामियां जो हैं इस वक्त नजर आती है, क्राइम सीन जिसे सबसे पहले प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए था वहां पर भी लैप्सेस दिखते हैं, वहां पर भी खामी दिखती है। मामले में FIR दर्ज हुई लेकिन वो परिवार के लोगों की तरफ से पीड़ित के करवाई गई, अस्पताल प्रबंधन की तरफ से होनी चाहिए थी क्योंकि सबसे पहले क्राइम सीन पर पहुंचने वाले वही लोग थे, वहां पर भी खामी है, क्यों है इसका जवाब मिलना चाहिए। और ऐसे में अब इस पर लगातार सुनवाई जो है वो चल रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जहां पर 3 जजों की बेंच जो है इस पूरे मामले पर सुनवाई करती हुई, और कपिल सिब्बल जो कि पश्चिम बंगाल की तरफ से पक्ष रख रहे हैं, उनका यह कहना है कि पश्चिम बंगाल के DGP को बदलने का इसमें कोई तात्पर्य नहीं है, सेंस नहीं बनता है। हालांकि ये बार बार कहा जा रहा है कि उनके ऊपर पहले से कई मामले हैं और इसीलिए उन्हें इस मामले से हटना चाहिए, उन्हें अलग रखना चाहिए चीफ जस्टिस की कोर्ट में। और कोर्ट ने अभी अभी कई डॉक्टर्स के साथ जो जिस तरीके से हिंसा की घटनाएं होती हैं मरीजों के परिजनों के जरिए, उसका हवाला देते हुए ये कहा है कि मेडिकल प्रोफेशनल्स जो हैं उन पर कोई भी हमला कर देता है और किसी भी मरीज के परिजन उन पर अचानक से हमला कर देते हैं, ये बहुत चिंता की बात है। और डॉक्टर जिस तरीके से ये लगातार काम कर रहे हैं और उस दौरान अगर उन पर हमला हो जाए तो खास तौर से महिलाओं के लिए, महिला डॉक्टर्स के लिए बहुत ही चिंता की बात है। कोर्ट ने कहा कि जिस तरीके से देश में जिस लगातार
तो सीबीआई गुरुवार तक स्टेटस रिपोर्ट दे, क्योंकि इस वक्त सीबीआई जांच कर रही है। डॉक्टरों को सुरक्षा मिलनी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी किया गया। और सीधे तौर पर यह कहा गया कि जो डॉक्टर हैं वो अपनी सुरक्षा की अगर मांग इस वक्त रख रहे हैं तो बहुत जायज उनकी मांग नजर आती है, क्योंकि सबसे पहले वो टारगेट होते हैं उन लोगों के। अगर किसी के परिजनों का कुछ नुकसान होता है वहां पर, हमले सीधे तौर पर डॉक्टरों के ऊपर, ये भी अपने आप में चिंता का विषय। मोस्ट ऑफन देयर इज ओनली वन कॉमन टॉयलेट फॉर मेडिकल प्रोफेशनल्स इन वन डिपार्टमेंट। द होस्टल्स और प्लेसेस ऑफ स्टे फॉर मेडिकल प्रोफेशनल्स आर सिचुएटेड फार फ्रॉम द हॉस्पिटल। डॉक्टर्स एंड नर्सेज हू हैव टू ट्रैवल टू एंड फ्रॉम द हॉस्पिटल आर नॉट प्रोवाइडेड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज बाय द इंस्टीट्यूशन। Even within the precincts of the sprawling spaces of public hospitals, there is either inadequate or no transportation facilities for the safe commute. जिस तरीके से follow-up रहा, जिस तरीके से पुलिस की कार्रवाई रही, उसको लेकर के केंद्र सरकार पहले भी सवाल उठाती रही है, और अब जिस तरीके से डीजीपी को बदलने की बात की है, क्योंकि ये राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र की बात है, राज्य सरकार को ये फैसला लेना है, लेकिन अब केंद्र सरकार ने जिस तरीके से कहा है कि राज्य के डीजीपी को बदला जाना चाहिए, क्यों तो राज्य सरकार पर एक बड़ा दबाव है, तमाम तरफ से उस पर सवाल उठ रहे हैं। हाईकोर्ट ने उसकी कार्यशैली पर सवाल उठाया, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी कार्यशैली पर सवाल उठाए, और अब कोर्ट भी इस मामले में यह लगातार कह रहा है कि जो प्रोटेस्टिंग जो डॉक्टर्स हैं उनकी सिक्योरिटी सबसे बड़ा मुद्दा है, और डॉक्टर्स के साथ जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं उसे देखते हुए अब इस मामले में सख्त कदम उठाए जाने ही चाहिए। तो अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में नेशनल टास्क फोर्स सुप्रीम कोर्ट ने बनाने का फैसला किया है, सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है, तो अब कई कदम उठाने पड़ेंगे। अगर राज्य सरकार नहीं उठाएगी, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार नहीं उठाएगी, तो कोर्ट के जरिए अब ये फैसले ये कदम उठाए जाएंगे।